तालुका की अग्रण्य विद्या विहार शिक्षण संस्था द्वारा संचालित सारस्वत जूनियर कॉलेज के विज्ञान शाखा से 221 और वाणिज्य शाखा से 130 छात्र छात्राओं ने स्टेट बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज की 100% सफलता की परंपरा को कायम रखा। बुधवार को घोषित हुए परीक्षा परिणामों में विज्ञान विभाग से गौरी गजानन सातपुते ने 93% अंक अर्जित कर तालुका में अव्वल स्थान अर्जित किया। वहीं मनस्वी हेमंत नाइक ने 90.83 और हिमांशु राजेंद्र घोड़से ने 89% अंक लेकर दूसरा और तीसरा क्रमांक अर्जित किया। वहीं वाणिज्य विभाग से निशा प्रमोद तवले ने 94.67 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान, तो वहीं आभा दिनेश कापसे ने 93.50 और अवनी नितिन पटेल ने 92.50% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान और तीसरा स्थान अर्जित कर अपने कॉलेज, शिक्षक वृंद और परिवार का नाम रोशन किया। सभी सफल छात्र छात्राओं का सारस्वत जूनियर कॉलेज की प्राचार्य शिमला सिंह और प्रभारी प्राचार्य अंधारे मैडम ने पुष्पगुच्छ देकर उनके सफलतार स्वागत कर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए प्राचार्य शिमला सिंह ने कहा कि इस सफलता का श्रेय छात्र छात्राओं के कठिन परिश्रम के साथ ही कॉलेज के शिक्षक वर्ग, शिक्षकोत्तर कर्मचारी और संस्था व्यवस्थापकों द्वारा समय समय पर उचित परामर्श और मार्गदर्शन के साथ साथ योजनाबद्ध तरीके से बच्चों में विश्वास पैदा कर समय समय पर उनके रूटीन टेस्ट लेकर उनकी कमजोरियों पर ध्यान देकर उनमें सुधार करना हर शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है, जिस पर हम खरे उतरे और हमारे 100% सफलता की परंपरा को रखा। और सभी सफल छात्रों को भविष्य में वे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें वहां सर्वप्रथम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस हिसाब से तैयारी करें तो आप जरूर सफल होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त कर सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। वहीं प्रभारी प्राचार्य अंधारे मैडम ने अपने संबोधन में कहा कि अनुशासन और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। हम सभी छात्रों को हमारा 100% देते हैं, लेकिन छात्रों में विश्वास की कमी के कारण वे पीछे रह जाते हैं। साथ ही पिछले 2 वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते हुई ऑनलाइन पढ़ाई में प्राचार्य शिमला सिंह और संस्था के सचिव साहिबराव विरखरे के कुशल मार्गदर्शन में हमने हर छात्र छात्राओं से व्यक्तिगत संबंध रख उनकी हर परेशानी और अड़चन में उनका समाधान किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे सारस्वत जूनियर कॉलेज के वाणिज्य और विज्ञान विभाग के 351 छात्र अच्छे अंकों से पास हुए। सफल छात्रों से साथ ही उनके परिवार जनों को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस छात्र को शिक्षक और परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है वे कभी विफल नहीं होते। इस अवसर पर सफल छात्रों से हमारे स्थानिक संवाददाता ने बात करने पर उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य MPSC के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र, अभियंत्रिकी, तो कुछ ने शिक्षक बन देश की सेवा में हाथ बटाने की इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर आयोजित आयोजन का संचालन शिखा जैन ने तो आभा साक्षी कठाले ने माना, तो सुनीता घोल से चंद्रकांत पराते, सारंग लांजेवार, विवेक बेंडे, संदीप भेलम, राजेंद्र टापरे, नागेश खोबरागढ़े आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। जाहिर सी बात है, मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी, और मैं मेरे सक्सेस का मतलब जो है अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगी। उनके सपोर्ट के सिवा मैं कुछ नहीं कर पाती। वैसे देखा जाए तो हर स्ट्रीम कठिन है, डिपेंड करता है हम कितनी मेहनत करते हैं। मैं ग्रेजुएशन के बाद MBSC की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और मुझे मतलब एक अधिकारी बनना है सर। मैं नीट क्लिक पता कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरा सिलेक्शन हो, मैं MBBS करूँ आगे चलते क्लियर ऑप्शन सर जी सर जी आई वॉन्ट टू बी अ सर्जन। इसके पीछे मतलब हमारा 100% रिजल्ट ही मुख्य उद्देश्य तो हर साल रहता है। उसके लिए हम टेस्ट सीरीज बच्चों का लेते हैं, 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों का। अभी कोरोना काल में बच्चों का आत्मविश्वास कम हो गया था, वो आत्मविश्वास जब उन्होंने ये टेस्ट सीरीज दी, वो टेस्ट सीरीज के बाद वो अपना आत्मविश्वास वापस ला पाए और उनको पता चला कि हम कहाँ तक कर सकते हैं और उसी का बेनिफिट उनको बोर्ड एग्जाम में भी मिला। तो यही हमारी परंपरा सालों साल चली आ रही है। बच्चों को बाहर के ट्यूशन की क्लास के टेस्ट सीरीज देने से बेहतर है कि वो स्कूल की ट्यूशन क्लासेस स्कूल की टेस्ट सीरीज दे और वही मतलब वो सक्सेस पा सकते हैं, आगे भी वो कर पाएंगे। जो 100% रिजल्ट जो हमारे स्कूल का लगता है उसमें डिटरमिनेशन सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चों को भी डिटरमाइन करते हैं और टीचर्स के अंदर भी डिटरमिनेशन है कि हमको इस रिज़ल्ट को लाना है, कैसे बच्चों की तैयारी कराई जाए
और कैसे उन लोगों को हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें कि हमको अच्छा रिजल्ट मिले। इसमें हम दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बच्चों का डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। अगर ये दो चीज़ें किसी भी स्कूल में हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा लगना ही है, उसी बेसिस पे काम करते हैं। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।